question. Hi guys, welcome to my channel. और आज के अपने इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि हम अपने चेहरे को कैसे फेयर और ग्लोइंग बना सकते हैं, वो भी घर पर. सब जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि जो हमारे चेहरे की रंगत है आज के दिनों में धीरे धीरे करके डल होती जाती है, वो भी किसी न किसी वजह से. वजह बहुत सारे होते हैं, एक तो हमारी एज का बढ़ना, दूसरी बात पॉल्यूशन की वजह से, या फिर हम कह सकते हैं कि स्ट्रेस की वजह से, नींद ना पूरी होने की वजह से, हार्मोन्स की वजह से, या हम कह सकते हैं कि ज़्यादा हार्ड वर्क करने की वजह से और अपनी स्किन की प्रॉपर देखभाल ना करने की वजह से. हम धूप में बाहर निकलते हैं, काम करते हैं, तो अपने चेहरे को अगर प्रॉपर प्रोटेक्ट नहीं करते हैं, प्रोटेक्शन नहीं देते हैं, तब भी हमारी स्किन बहुत ज़्यादा डल होती चली जाती है. तो ये आप कह सकते हैं कि कोई ना कोई बहुत सारे ऐसे कारण होते हैं जिनकी वजह से हम अपनी जो रियल रंगत है चेहरे की वो खोते जाते हैं. तो मैं आपको बताने जा रही हूँ एक फेस पैक जो आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको डेफिनेटली उसमें फ़र्क लगेगा, यानी कि आपके चेहरे पर फ़र्क नज़र आएगा. आप गोरे भले ही ना हो, लेकिन जो आपकी ओरिजिनल स्किन टोन है अगर वो वापस आ जाती है तब भी आपको बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि आपकी जो स्किन है वो ग्लो करेगी. क्योंकि कोई भी स्किन टोन ऐसा नहीं होता है जो दिखने में ख़राब लगे, बस कारण ये होता है कि जो हमारा ओरिजिनल स्किन टोन होता है वो भी डल होने लगता है, तो इस वजह से हमारी स्किन ख़राब लगने लगती है. तो मैं आपको बताने जा रही हूँ कि हम अपनी जो ओरिजिनल स्किन टोन है उसको हम कैसे वापस ला सकते हैं और साथ ही साथ उस टोन को हम कैसे ग्लोइंग बना सकते हैं. तो इसके लिए मैं आपको घर का बनाया हुआ एक फेस पैक बताऊँगी जो कि आपकी स्किन को हर तरह से प्रोटेक्ट करेगा और हर तरह से उसको नरिश करेगा, देखभाल करेगा और एक अच्छी सी रंगत वापस आ जाएगी. तो इसके लिए हमें चाहिए बहुत सारी चीज़ें, नहीं बल्कि कुछ बहुत चीज़ों से ही जो कि घर पर मिलती हैं, हम उनसे उस फेस पैक को बना सकते हैं. तो इसके लिए हम ले लेंगे बेसन, यानी कि आप ले लीजिए 2 चम्मच बेसन, 1/2 चम्मच अम्बा हल्दी, 1 चम्मच शहद, 2 चम्मच रोज़ वाटर. तो ये जो इंग्रेडिएंट्स हैं इनको हम प्रॉपर मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद एक स्मूथ सा पेस्ट बना लेंगे. तो ये हमारा पेस्ट बनकर रेडी हो गया है, ये आप देख सकते हैं कि मैंने एक स्मूथ पेस्ट बना लिया है. अब मैं आपको बताऊंगी कि इसको अप्लाई कैसे करना है. इसको अप्लाई करने के लिए मैं आप लोगों को हाथ में अप्लाई करके बताऊंगी, फेस पर नहीं बता रही हूँ अभी, क्योंकि मैंने फेस पर थोड़ा सा मेकअप किया हुआ है और मेकअप के ऊपर मैं इसको अप्लाई नहीं कर सकती हूँ. उसके लिए मुझे क्लिंजिंग मिल्क से अपने मेकअप को निकालना पड़ेगा, उसके बाद वॉश करना पड़ेगा, फिर इसको अप्लाई कर सकती हूँ. तो इसमें टाइम वेस्ट होगा, इससे अच्छा है कि मैं आपको हाथ में अप्लाई करना बता दूँ और उसके बाद आप इसको अपने तरीके से अपने चेहरे पर इस्तेमाल कर सकते हैं. इसके लिए अब हमने ले लिया ये पेस्ट, अब इसको हम अपने चेहरे पर इस तरह से अप्लाई कर लेंगे अच्छी तरह से, जैसे आप फेस मास्क लगाते हैं, फेस पैक लगाते हैं, उसी तरह से आप इसको अपने चेहरे पर अप्लाई कर लीजिए. और अप्लाई करने के वक्त आप इसको अपवर्ड मोशन में अप्लाई करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि कभी भी आप फेस पैक का इस्तेमाल करें तो आप हमेशा अपवर्ड मोशन में करें, तो आप इसको अपवर्ड मोशन में ही इस्तेमाल कीजिए. और उसके बाद आप इसको 15 मिनट तक लगाकर छोड़ दीजिए, रहने दें, ये हल्का सा ड्राई हो जाएगा और ये हनी की वजह से ये ड्राई नहीं होगा पूरी तरह से. तो उसके बाद आप इसको नॉर्मल पानी से वॉश कर लीजिए. वॉश करने के बाद आपको पता चलेगा कि आपकी स्किन बहुत ही स्मूथ नज़र आ रही है. आपने इसको लगाया, निकाल लिया, अब आपको एक और काम करना है. आपको लेना है 1 चम्मच रोज़ वाटर और 1 चम्मच ग्लिसरीन. आपको दोनों का पेस्ट बना लेना है और पेस्ट बनाने के बाद अपने चेहरे पर उससे मसाज करनी है. मसाज करने के बाद उसको 10 से 15 मिनट तक फिर से लगाकर छोड़ दें, और जब उसको लगाकर छोड़ देंगे उसके बाद आप उसको नॉर्मल पानी से वॉश कर लीजिए. ये जो रेमेडी है आपको हफ्ते में 3 बार इस्तेमाल करनी है और उसके बाद आपको फ़र्क अपने आप नज़र आएगा. इसका रेगुलर इस्तेमाल कीजिए, यानी कि जो मैं हफ्ते में 3 बार बताया है उस तरह से आप इसको इस्तेमाल कीजिए. आपको 1 महीने बाद खुद में खुद पता चल जाएगा कि आपकी स्किन कितनी फेयर और ग्लोइंग नज़र आ रही, और 100% आपकी स्किन फेयर और ग्लोइंग हो. आपके जो एक्नीज हैं, जो पिंपल्स के दाग हैं, जो आपको ऐसा लगेगा कि आपके रिंकल्स हैं, या आपके जो आपका डल स्किन है वो उस तरह की जो भी शिकायत है आपकी दूर हो जाएगी और आपकी स्किन बहुत अच्छी तरह से ग्लो करने लगेगी. आपकी स्किन जो मार्क्स हैं, जो एक्नीज हैं, जो रिंकल्स हैं, वो आपको जाते हुए नज़र आएंगे और आपकी ओरिजिनल जो स्किन
टोन है वो आपको नज़र आएगी और साथ ही साथ स्किन टोन जो होगी बहुत ही ग्लोइंग होगी। तो आप इसका इस्तेमाल कीजिए, जो रेमेडी मैंने बताई है, और आप इसको इस्तेमाल करने के बाद मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। और फिर से मिलते हैं अपने न्यू वीडियो में ऐसी किसी न्यू रेमेडी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।